गौतम ने तोड़ दी शादी के मंडप में आहाना के साथ शादी, और लक्ष्मी को बेइज्जत और नीचा दिखाने के चक्कर में मलिष्का ने कर दिया शादी के मंडप में सबके सामने आहाना की प्रेगनेंसी का खुलासा, और आहाना ने कर लिया अपनी प्रेगनेंसी को कबूल, और ऋषि नीलम ने मार दिया मलिष्का को जोर से तमाचा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में लक्ष्मी को घर से बाहर निकालने के लिए जब मलिष्का लक्ष्मी को बेइज्जत करती हुई बलविंदर को घर में बुलाएगी, और बलविंदर सबके सामने लक्ष्मी के पेट में अपना बच्चा कहकर जब लक्ष्मी का जबरदस्ती जोर से हाथ पकड़कर खींच खींच कर ले जा रहा होगा, तभी ऋषि लक्ष्मी के लिए अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाकर बलविंदर के सर पर जोर से मुक्का मार देगा, जिस वजह से तभी वहीं पर बलविंदर जमीन पर गिर जाएगा, और सबके सामने ऋषि बलविंदर को कहेगा कि लक्ष्मी को आइंदा से तुमने हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा, और ना चाहते हुए ऋषि झूठ बोलते हुए लक्ष्मी के पेट में उसका ही बच्चा है ये स्वीकार करते हुए कहेगा कि लक्ष्मी के पेट में तेरा नहीं बल्कि मेरा बच्चा है, अगर तुझे अभी साबित करना है तो चल अभी के अभी हॉस्पिटल चल, लक्ष्मी के पेट में बच्चे का अभी डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और उस टेस्ट में अगर लक्ष्मी के पेट में बच्चे का तुम्हारा डीएनए टेस्ट मैच नहीं हुआ और मेरा मैच हो गया तो तुझे मैं महिला संरक्षण की औरतों के हवाले कर दूंगा और तू हमेशा के लिए जेल में चक्की पीसते रहना। यह सुनकर बलविंदर कुछ बोल नहीं पाएगा और मलिष्का का सारा बना बनाया हुआ प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन जब दूसरे दिन आहाना और गौतम की शादी होगी और लक्ष्मी आहाना की शादी में धूमधाम से हंसी खुशी आहाना का साथ देकर आहाना की शादी की तैयारियां कर रही होगी और ऋषि भी लक्ष्मी के साथ मजाक कर रहा होगा, तभी मलिष्का को काफी ज्यादा जलेसी होगी, और लेकिन किसी को पता ना चला ऐसे जब लक्ष्मी आहाना को अकेले कमरे में ले जाएगी और कहेगी कि आहाना आज गौतम के साथ शादी होने वाली है, इसलिए अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तुमने गौतम को बताया कि तुम ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे पेट में तुम्हारे धोखेबाज बॉयफ्रेंड का बच्चा पल रहा है। तब यह सुनकर आहाना कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन आहाना लक्ष्मी को कहेगी नहीं लक्ष्मी भाभी, तभी लक्ष्मी आहाना को कहेगी कि शादी से पहले किसी को पता ना चला ऐसे तुम गौतम को सच बता दो ताकि ये सच जानने के बाद गौतम अपनी शादी करने का सही फैसला ले सके, वरना अगर उसे बाद में पता चलेगा कि तुम्हारे पेट में ऑलरेडी एक बच्चा पल रहा है और तुम प्रेग्नेंट हो तब पता नहीं गौतम का क्या क्या हाल होगा। यह सुनकर आहाना कहेगी हाँ लक्ष्मी भाभी, मैं गौतम को शादी से पहले शादी के मंडप में सब कुछ बता दूंगी, और गले लगाती हुई कहेगी थैंक यू सो मच लक्ष्मी भाभी, आपने मेरी प्रेगनेंसी को मेरी नाजायज औलाद को अपना नाम दिया और मुझे सबसे और पूरे परिवार की बदनामी से बचाया, लेकिन लक्ष्मी भाभी आई एम रियली सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। यह सब लक्ष्मी और आहाना के बीच की बात है, शादी से पहले कमरे के बाहर और कोई नहीं बल्कि मलिष्का सुन लेगी, और उल्टे दिमाग वाली मलिष्का लक्ष्मी को बदनाम करने के चक्कर में जब आहाना की शादी गौतम के साथ हो रही होगी और गौतम के पेरेंट्स और गौतम लक्ष्मी की काफी ज्यादा तारीफें करेंगे, तभी मलिष्का गुस्से से शादी को रोकती हुई कहेगी बस अब लक्ष्मी की तारीफ करना बंद करो, आप लोगों को पता नहीं है कि लक्ष्मी ने आप लोगों को कितना बड़ा धोखा दिया है, इस घर में प्रेग्नेंट लक्ष्मी नहीं बल्कि आपका बेटा जिससे शादी करा है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी का नाम सिर्फ लक्ष्मी ने अपने सर ले लिया था, इसलिए अब आप धोखेबाज लक्ष्मी को मारिए। यह सुनकर आहाना गौतम और उसके माँ बाप सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे और वेंद्र नीलम करिश्मा बहुत सबके होश उड़ जाएंगे, और गौतम आहाना को गुस्से से पूछेगा कि क्या आहाना ये सच है तुम पहले से प्रेग्नेंट हो, तब यह सुनकर आहाना धीरे से हाँ कहेगी और गौतम अपनी शादी की वरमाला तोड़ते हुए शादी को पूरी तरह से तोड़ देगा, और नीलम ऋषि यहाँ तक कि करिश्मा बुआ मलिष्का को जोर से तमाचा मार देगी और लक्ष्मी से अपने किए की माफी मांगेगी, और लेकिन आहाना की शादी गौतम के साथ होनी चाहिए क्या नहीं, और नीलम वीरेंद्र और करिश्मा बुआ मलिष्का को तमाचा मारकर सही करेगी क्या नहीं, और करिश्मा बुआ नीलम वीरेंद्र सबको लक्ष्मी से माफी मांगनी चाहिए क्या नहीं, और आप बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ देखना चाहते हैं क्या नहीं, कैसा हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।